डायलॉग लिख दिया है, सब कुछ। मजदूर का हाथ है काजिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है, लेकिन ये इमोशनल इतने हैं, वेरी इमोशनल, छोटी छोटी बात पे जो है, इवन एज वी शूटिंग ही गेट्स वेरी इमोशनल। एंड हमने हर फिल्म में उसको करेक्ट इस्तेमाल किया है, चाहे घायल में देखिए आप, जब वो भाभी कोर्ट से निकल के जाती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही रिफ्यूज टू टेक ग्लिसरिन। घातक में एक सीक्वेंस है इनका पुरी साहब के साथ में, जब पता चलता है पुरी साहब इज गोइंग टू डाई ऑफ कैंसर, डॉक्टर बोलते ले जाओ इनको, वन टेक, दोबारा टेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ही जस्ट केम सैट देयर एंड पुरी साहब कुछ बोलते जाते एंड फूट फूट के रोने लगा, किसी की हिम्मत नहीं थी, इतना सेटिस्फाइंग, ब्रेक करना पड़ा आधा घंटा। अरे गदर टू में मेरा सीक्वेंस था, व्हेन ही कम्स बैक और इनको पता लगता है इनका बेटा जीते पाकिस्तान चला गया है, वो सीन द वे ही डिड इट मतलब मैं पर्दे पर भी लोगों ने देखा, मगर वहां जो लोगों ने देखा, जो कमरे में नहीं थे, कमरे के बाहर गार्डन में भी थे, आवाज सुन के भी उनकी आंखें भर गई थी। दिस मैन इतना ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है कि मतलब पूरा पूरा आत्मा, पूरा फील करके पूरी आत्मा बाहर आ जाती है करेक्टर की। और दूसरी जो चीज है, ही इज अ बून फॉर अ डायरेक्टर, बिकॉज वो इतना महसूस करते हैं, फील करते हैं, इसीलिए उनके एंगर में कन्विक्शन है, वो जो चिल्लाते जो बोलते हैं कन्विक्शन है ना, इमोशन है उसके अंदर। इट इज नॉट, अगर कन्विक्शन नहीं होता क्योंकि शॉटिंग, शॉटिंग वो होल्ड नहीं कर सकता, नहीं कन्विक्शन है। अच्छा मैंने सुना रोशनी डाली।